अस्सलाम वालेकुम। क्लास लास्ट लेक्चर में जो था वो हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स होते हैं जिनके ज़रिए हम क्या करते हैं, या स्टेप्स हैं जिनके ज़रिए हमने जो भी मेथड डेवलप किया है उस मेथड को हम क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिग्नल एंड नॉइस, या फिर सिग्नल टू नॉइस रेशियो भी जिसको हम कहते हैं, जिसे हम डिस्कस करेंगे कि क्या है, किस तरह से जो है वो हमारे रिजल्ट को इफ़ेक्ट करती है सिग्नल एंड नॉइस, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, सिग्नल टू नॉइस रेशियो। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है सिग्नल टू नॉइस रेशियो। सिग्नल टू नॉइस रेशियो, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि कोई सिग्नल है और साथ में कोई जो है वो नॉइस का है, हमने बेसिकली डिस्कस करना है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि सिग्नल टू नॉइस रेशियो क्या होता है। सिग्नल टू नॉइस रेशियो इज अ मेजर यूज्ड इन साइंस एंड इंजीनियरिंग दैट कंपेयर्स द लेवल ऑफ अ डिजायर्ड सिग्नल टू द लेवल ऑफ बैकग्राउंड नॉइस। ठीक है, सिग्नल टू नॉइस रेशियो को जो है हम क्या किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, SNR सिग्नल टू नॉइस रेशियो, और या फिर हम इसको सिग्नल टू नॉइस रेशियो इस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये है सिग्नल टू नॉइस रेशियो को हम SNR या फिर S/N से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है, इसको इंजीनियरिंग में या कहीं पे भी जहाँ पे भी मेजरमेंट की जाती है, इज़ अ मेजर यूज्ड इन साइंस एंड इंजीनियरिंग दैट इज अ मेजर दैट कंपेयर द लेवल ऑफ दैट कंपेयर द लेवल ऑफ डिजायर्ड सिग्नल टू द लेवल ऑफ डिजायर्ड सिग्नल टू द लेवल ऑफ बैकग्राउंड नॉइस। ठीक है, या फिर हम क्या कह सकते हैं, SNR क्या है, SNR इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ सिग्नल पावर टू द नॉइस पावर। क्या है, इस तरह से भी हम कह सकते हैं, SNR इज द सिग्नल टू नॉइस रेशियो इज द रेशियो ऑफ सिग्नल पावर इज द रेशियो ऑफ सिग्नल पावर टू द नॉइस पावर, सिग्नल पावर टू द नॉइस पावर। ठीक है, इन दोनों के दरमियान की जो रेशियो होती है उसको हम क्या कहते हैं, सिग्नल टू नॉइस रेशियो कहते हैं। अब क्या है सिग्नल टू नॉइस रेशियो का, अगर मैं आम वर्ड में बताऊं कि आपको ने क्या होता है कि हम क्या कहते हैं, जब हम अपने मुख्तलिफ किस्म के प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, मेथड्स परफॉर्म करते हैं, या मुख्तलिफ किस्म के मेजरमेंट्स परफॉर्म करते हैं, तो उसके रिजल्ट में जो हमारे पास रिजल्ट आते हैं, जो ग्राफिकल डाटा आता है, या जो भी चीज़ आती है, ड्राफ्ट आते हैं, या जो भी हमारे डाटा की रिप्रेजेंटेशन आती है, उसके अंदर समटाइम क्या होते हैं कि कुछ तो सिग्नल्स ऐसे होते हैं जो डिजायर्ड सिग्नल्स होते हैं, जो हम चाह रहे होते हैं कि कुछ सिग्नल्स आएँ, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे सिग्नल्स भी होते हैं जो कि अनडिजायर्ड सिग्नल्स होते हैं, जो कि हमें नहीं पता कि किस वजह से जो है वो जनरेट हुए हैं, या फिर हम ये कह रहे थे कि ये हमारे डिजायर्ड सिग्नल चाहिए हैं, या जो हमने अपना सैंपल किया, जो भी हमने अपना एनालाइज किया है, उसकी वजह से जो है ये सिग्नल्स नहीं आने चाहिए। तो वो जो सिग्नल्स आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नॉइस कहते हैं। लाइक अगर मैं सिंपलेस्ट एग्जाम्पल दूँ तो हम कहते हैं कि जब हम HPLC करते हैं तो उसमें हमारे पास बहुत सारी पीक्स आती हैं जो कि हमारे सैंपल्स की होती है, लेकिन इसके साथ साथ क्या होती है, बहुत छोटी छोटी पीक्स भी होती हैं जिसको हम क्या कह सकते हैं, नॉइस भी कहते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी इंटरफेरेंसेस मौजूद थी जिनकी वजह से ये क्या आई है, नॉइस। या फिर समटाइम हम कहते हैं कि कोई भी अगर ऐसी पीक आई है जो कि क्या करती है, हमारे अपनी ओरिजिनल पीक के साथ भी ओवरलैप कर जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉइस कहते हैं। इसी तरह जो IR के स्पेक्ट्रास आते हैं, IR के स्पेक्ट्रास की पीक्स जो है वो समटाइम बहुत ज़्यादा शार्प नहीं आती, क्या होती है कि अब जब हमारे पास क्या है, अगर मैं लेट्स सपोज कहूँ कि हमारे पास जो है वो IR का स्पेक्ट्रा इस तरह से जो है वो बहुत क्लियर सी पीक्स आनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है कि जो हमारे पास IR का स्पेक्ट्रा आता है उसके अंदर इस तरह से हमारे साथ बारीक बारीक जो है वो मजीद पीक्स जो है वो इसके अंदर आती हैं। ठीक है, अब ये जो पीक्स हैं ये क्या है, सारी की सारी ये अनडिजायर्ड पीक्स हैं, जो कि हम क्या कह रहे हैं कि हमारी जो डिजायर्ड पीक है, लाइक ये पीक है, ये शार्प पीक है, ये शार्प पीक है, हमारे पास ये पीक्स आनी, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे पास छोटी 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 पीक्स आती हैं, ये क्या पीक्स होती हैं, ये क्या करती हैं, नॉइस कॉज करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो हमारा सिग्नल आता है उस सिग्नल को भी ये इफेक्ट करती हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, नॉइस कहते हैं। अब सिग्नल टू नॉइस रेशियो का मतलब क्या, कि जो भी हमने अपना सैंपल एनालाइज किया, सैंपल को एनालाइज करने के बाद
जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं उसके अंदर हमारी ओरिजिनल सैंपल की वजह से जो सिग्नल आना चाहिए था वो कितना है, और जो हमारे पास नॉइस आई है वो कितनी है, वो क्या चीज़ शो करती है हमारे सिग्नल टू नॉइस रेशियो को जो है वो शो करती है। अब हमारे क्या होते हैं, जितने भी हम एनालिटिकल मेजरमेंट्स करते हैं, अगर मैं मज़ीद उसको एक्सप्लेन करूँ तो हम कहते हैं कि जितनी भी हमारी एनालिटिकल मेजरमेंट्स हैं वो बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं उसके। एक कंपोनेंट उसका क्या हो गया कि जो हमारा सिग्नल है रिक्वायर्ड कितने, जितनी भी एनालिटिकल मेजरमेंट्स हैं उनके दो कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स दो होंगे, कौन कौन से, एक तो हमारा सिग्नल जो कि हमें रिक्वायर्ड है, जिसके अंदर क्या है इंफॉर्मेशन है जो हमें चाहिए, ठीक है, और दूसरा हमारी नॉइस जो कि अनडिजायर्ड है, सिग्नल दैट कैरीज इंफॉर्मेशन, दैट कैरीज इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन जो क्या करता है हमें रिक्वायर्ड है, जो हमें क्या करता है हमारा एनालाइट के एनालिसिस के बारे में बताता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सेकेंड जो होती है वो नॉइस होती है जो कि हम क्या कहते हैं कि मेड ऑफ एक्सट्रीनियस एंड अनवांटेड एक्सट्रीनियस इंफॉर्मेशन। ये क्या है नॉइस, क्या है एक्सट्रीनियस इंफॉर्मेशन दैट इज अनवांटेड, जो कि हमें क्या है रिक्वायर्ड नहीं होती, वो हमारी क्या कहलाती है नॉइस कहलाती है। बिकॉज इट डिग्रेड्स द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ एनालाइट एंड आल्सो प्लेस अ लोअर लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ एनालाइट दैट कैन बी डिग्रेडेड। नॉइस क्या करती है, एक्यूरेसी को इफेक्ट करती है, जो भी हमारे रिजल्ट आते हैं हमारे जो रिजल्ट हैं मैथड्स हैं उनकी प्रिसीजन को इफेक्ट करती है, जो लिमिट ऑफ डिटेक्शन होती है ऑब्वियसली उसको भी क्या करेगी इफेक्ट करेगी, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमारा सैंपल अगर कम अमाउंट के अंदर मौजूद है जिसको हमने एनालाइज करना है, अगर उसके अंदर नॉइस कॉज हो जाती है तो क्या है कि एक सैंपल जिसकी अमाउंट कम है जिसको हमने डिटेक्ट करना था, नॉइस की वजह से क्या होता है हम उसको इफेक्ट डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो क्या है, दो टाइप्स की हमारे एनालिटिकल मेजरमेंट के सिग्नल आता है, जिसको दैट कैरीज इंफॉर्मेशन, दैट कैरीज इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन कौन सी, वो जो हमारी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। द सिग्नल टू नॉइस रेशियो इज अ रिप्रेजेंटेटिव मार्कर इज दैट इट इज़ यूज टू डिस्क्राइबिंग द क्वालिटी ऑफ एन एनालिटिकल मेथड और द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। अब क्या है, जो सिग्नल टू नॉइस रेशियो है या जो सिग्नल टू नॉइस है या जो सिग्नल और नॉइस है वो क्या है, हम कह सकते हैं कि क्वालिटी पैरामीटर है जो क्या करता है किसी भी मेथड की हमारी की क्वालिटी बताता है। क्वालिटी किस लिहाज से बताता है, इस लिहाज से कि हमारा जो मेथड है वो कितना क्वालिटी वाइज कितना अच्छा है, कितने एक्यूरेट रिजल्ट देता है, कितने प्रिसाइज रिजल्ट देता है। ऑब्वियसली अगर कोई ऐसा मेथड है जिसके अंदर नॉइस बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है, नॉइस बहुत ज़्यादा है तो जो उसके रिजल्ट होंगे वो उतने एक्यूरेट और प्रिसाइज नहीं होंगे। इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि कोई भी हम इंस्ट्रूमेंट की परफॉर्मेंस को भी जो है वो हम नॉइस की बेस पे जो है वो असेस कर सकते हैं, कि अगर कोई भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर नॉइस ज़्यादा आ रही है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। नॉइस फ्री डेटा कैन, एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम जितनी भी मेजरमेंट्स करते हैं कि उसके अंदर क्या होता है नॉइस फ्री डेटा कभी भी जो है वो अचीव करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि क्या होते हैं बहुत सारी नॉइस के अराइज करने के डिफरेंट हम कह सकते हैं कि सोर्सेज हैं या कॉजेज़ हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी नॉइसेज होती हैं जो हम कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट की वजह से कॉज हो रही होती हैं, या बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि ऐसे होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं हैंडल नहीं कर सकते, तो बहुत सारे, लेकिन ये है कि हम कहते हैं कि नॉइस जो है वो ऐसी चीज़ है जिसको हम बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि हम इसको किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारी मेजरमेंट्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर हम कहते हैं कि जो नॉइस है वो कॉन्स्टेंट होती है, इन मोस्ट मेजरमेंट्स द एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ द नॉइस इज कॉन्स्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सिग्नल। बहुत सारी जो मेजरमेंट्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो नॉइस का लेवल होता है वो फिक्स रहता है, मतलब कि अगर हम कह रहे हैं कि कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट है वो इतनी नॉइस लाजमी देगा, अब जितना भी हम सैंपल यूज़ कर रहे हैं चाहे हम हाई सिग्नल जो हम अपना एनालाइट एनालाइज कर रहे हैं उसका चाहे मैग्नीट्यूड जो सिग्नल का आ रहा है चाहे वो हाई आ रहा है चाहे वो लो आ रहा है, तो उसकी जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसकी जो नॉइस उसकी आनी है वो एक कांस्टेंट रहती है। तो इस तरह के जो कांस्टेंट जो इस तरह की नॉइस होती है वो अगर हमारे पास सैंपल का जो हमने एनालाइज किया जो हमारी रिक्वायर्ड मेजरमेंट है या रिक्वायर्ड सिग्नल है अगर उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारे पास नॉइस हो रही है वो इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी हमारे सिग्नल को। लेकिन अगर हम कहते हैं कि हमारा जो है वो मैग्नीट्यूड सिग्नल का कम है जो एनालाइट का जो हमने एनालाइज किया है उसका जो सिग्नल आना है वो मैग्नीट्यूड कम है, लेकिन क्योंकि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से
नॉइस आनी है वो एक कांस्टेंट रेशियो से ही आनी है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, जब मैग्नीट्यूड का सिग्नल का मैग्नीट्यूड कम होगा तो उस नॉइस का इफेक्ट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अगर हम कहते हैं कि हमारा जो सिग्नल है उसका मैग्नीट्यूड कम है ज़्यादा है। अब देखें अगर मैं लेट्स सपोज इस समय आपको बता रही हूँ कि मैं कहती हूँ कि मेरे पास जो भी कोई IR स्पेक्ट्रा आता है ठीक है, उसके अंदर ये जो इस तरह की जो ये हमारे पास पीक्स आनी होती है ये हम कहते हैं कि कांस्टेंट है। अब अगर मेरे पास शार्प पीक आएंगी तो मेरा पास क्या है, ये नॉइस इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी सिग्नल को, लेकिन अगर मेरी कोई छोटी पीक ही आनी है तो वो क्या होगी, इस नॉइस के अंदर स्प्रेस हो जाएगी और वो सिग्नल हमें जो है वो डिटेक्ट नहीं होगा। इसी तरह अगर मैं HPLC की भी पीक्स की बात करूँ जो कि हम नॉर्मली कहते हैं कि उसके अंदर जो नॉइस आ रही होती है या जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं वो किस वजह से आ रहे होते हैं, इंटरफेरेंसेस की, अगर मैं कहती हूँ कि मेरा जो सैंपल का सिग्नल आना है वो इतना आना है तो उसकी वजह से अगर कोई हमारे उसमें नॉइस आ रही है वो ये वाली पीक्स है तो वो इस सिग्नल को इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं करेंगी, लेकिन अगर इस सिग्नल का जो मेरा डिज़ायर्ड सिग्नल है उसका मैग्नीट्यूड भी कम हो जाएगा इतना होगा तो ऑब्वियसली हम क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास नॉइस हो रही है ये क्या करती है, इस सिग्नल को भी स्प्रेस कर देती है। तो इस तरह से क्या करती है कि हम कहते हैं कि हमारे जो नॉइस होती है वो हमारे रिजल्ट की एक्यूरेसी को या इफेक्ट जो भी प्रसीजन उसको इफेक्ट करती है। तो जब इस तरह से होगा तो हमारे लिए जो हमारा जो एनालाइट का सिग्नल आना था उसको डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। सिग्नल टू नॉइस रेशियो को जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए क्या शो, सिंपल सा एक फार्मूला जो है वो शो करते हैं, क्या है, सिग्नल टू नॉइस रेशियो इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्नल टू नॉइस रेशियो को जो है वो मैयर करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स के जो भी हमारा एक स्टैंडर्ड वैल्यू आनी चाहिए तो उससे जो है वो किस हद तक डेविएट करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो सोर्सेज होते हैं नॉइस के मेजरमेंट्स के अंदर वो कितने टाइप्स की नॉइस होती हैं और फिर हम उनके सोर्सेज भी देख लेंगे कि किस किस तरह के कौन कौन से सोर्सेज हैं। बेसिकली टू टाइप्स होती हैं नॉइस की, टाइप्स ऑफ नॉइस कितनी है, दो है, टाइप्स ऑफ नॉइस सोर्सेज कह सकते हैं ठीक है। टू टाइप्स होती हैं जिसमें फर्स्ट वन है वो है केमिकल और सेकेंड वन नॉइज, और सेकेंड जो है वो है इंस्ट्रूमेंटल नॉइज। केमिकल नॉइस और सेकेंड जो है वो इंस्ट्रूमेंटल ठीक है, केमिकल नॉइस और इंस्ट्रूमेंटल नॉइस, टाइप्स ऑफ नॉइस सोर्स के दो सोर्सेज हो सकते हैं। केमिकल में क्या हो सकता है, द नॉइस अराइज फ्रॉम अनकंट्रोलेबल वैल्यूज इन द केमिस्ट्री ऑफ द सिस्टम सच एज वेरिएशन इन टेम्परेचर प्रेशर ह्यूमिडिटी लाइट एंड केमिकल फ्यूम्स प्रेजेंट इन द रूम। हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है या जो भी हम अपना मेथड यूज़ कर रहे हैं अडॉप्ट कर रहे हैं उसके ऊपर क्या हो सकती है, बहुत सारी केमिकल चेंजेस आ सकती है, वो केमिकल चेंजेस किस वजह से हो सकती हैं, या जो भी हम इवन अपना इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर भी टेम्परेचर इफेक्ट कर सकता है, उसको प्रेशर ह्यूमिडिटी या फिर लाइट जो है वो या फिर केमिकल फ्यूम्स जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकती है कि हमारी जो भी हम एनालिसिस कर रहे हैं जो भी हमने मेथड अडॉप्ट किया है उसके अंदर क्या है वो नॉइस कॉज हो सकती है। क्यों कौन से हो सकते हैं, वेरिएशन इन टेम्परेचर, वेरिएशन इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, लाइट प्रेशर, केमिकल फ्यूम्स जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद हैं वो क्या कर सकते हैं, नॉइस कॉज कर सकते हैं ठीक है। इसके अलावा जो है इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, नॉइस दैट अराइज ड्यू टू द इंस्ट्रूमेंटेशन इट्सेल्फ, ड्यू टू इंस्ट्रूमेंटेशन इट्सेल्फ उनको हम क्या कहते हैं, अराइज ड्यू टू इंस्ट्रूमेंटेशन इ
इटसेल्फ जो इंस्ट्रूमेंटेशन की वजह से जनरेट होती है वो हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल नॉइस कहते हैं। इट कुड कम फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट सोर्सेज, किसी भी जगह से जो है वो जनरेट हो सकती है। कोई भी हमने इनपुट ट्रांसड्यूसर्स यूज़ किए हैं, मतलब अपना सैम्पल डाटा, या जब भी अपना सैम्पल हमने इंट्रोड्यूस करवाना है, या मुख्तलिफ सॉल्वेंट्स हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उनके ज़रिए से जो है वो इंट्रोड्यूस हो सकती है। प्रोसेसिंग ऑल सिग्नल्स प्रोसेसिंग एलिमेंट एंड द आउटपुट ट्रांसड्यूसर, कहाँ से, इनपुट ट्रांसड्यूसर्स की वजह से हो सकती है। इनपुट ट्रांसड्यूसर्स और आउटपुट ट्रांसड्यूसर्स की वजह से जो है वो कॉज हो सकती है नॉइज। ठीक है, द नॉइज हैज मैनी टाइप्स एंड कैन अराइज फ्रॉम सिवरल सोर्सेज। देयर आर फोर मेन कैटेगरीज ऑफ इंस्ट्रूमेंटल नॉइज। इंस्ट्रूमेंटल नॉइज को जो है वो फोर फर्दर टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर क्या है, थर्मल और जॉनसन है, शॉर्ट है, फ्लिकर नॉइज है, और इन्वायरमेंटल नॉइज है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल नॉइज को ही जो है वो फर्दर फोर इसकी जो है वो मेन कैटेगरीज के अंदर जो है वो इंस्ट्रूमेंटल नॉइज को जो है वो डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी फोर मजीद फर्दर इन्वायरमेंटल नॉइज की कैटेगरीज हैं, वो हैं, फर्स्ट वन है थर्मल और जॉनसन नॉइस, सेकेंड वन इज दैट शॉर्ट नॉइस, नेक्स्ट इज फ्लिकर नॉइस, एंड लास्ट वन इज दैट इन्वायरमेंटल नॉइस। मतलब क्या कि जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है, अगर उसका इन्वायरमेंटल के अंदर कोई प्रॉब्लम है, मतलब अगर हम कोई गैस यूज़ कर रहे हैं, या कोई भी उसका हमने एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट या कंडीशंस प्रोवाइड की हुई है, अगर उनके अंदर कोई भी चेंजेस आती हैं, तो वो भी हमारे क्या कर सकती है, इंस्ट्रूमेंटल नॉइस कॉज कर सकती है। वन बाई वन हम देखेंगे कि थर्मल नॉइस और जॉनसन नॉइस क्या होती हैं, शॉर्ट नॉइस क्या है, किस तरह से जो है वो हम इनको मिनिमाइज या कंट्रोल कर सकते हैं। जो थर्मल नॉइस है, कौन सा हम देख रहे थे, इंस्ट्रूमेंटल नॉइस, और इंस्ट्रूमेंटल नॉइस की हम फर्दर कैटेगरीज देख रहे थे। इंस्ट्रूमेंटल नॉइस की ही जो है वो फर्स्ट कैटेगरी है वो क्या है, थर्मल या फिर और जॉनसन नॉइस। ठीक है, थर्मल और जॉनसन नॉइस हम देख रहे हैं। थर्मल और जॉनसन नॉइस क्या होती है, अराइज फ्रॉम थर्मल एजिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और अदर चार्ज्ड पार्टिकल्स। थर्मल एजिटेशन और जितने भी, अगर हम कहते हैं कि हमारा जो भी इंस्ट्रूमेंट काम कर रहा है, अगर उसमें तो कोई भी चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो उनकी थर्मल एजिटेशन की वजह से जो है वो क्या हो सकती है, और जो दूसरे चार्ज कैरियर्स जितने भी मौजूद हैं उनकी वजह से क्या हो सकती है, अराइज हो सकती है। कैपेसिटर्स मौजूद हैं, या रेडिएशन डिटेक्टर मौजूद है, या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एंड अदर रेजिस्टिव एलिमेंट्स इन द इंस्ट्रूमेंट अराइजेस फ्रॉम थर्मल एजिटेशन। थर्मल नॉइज और जॉनसन नॉइज अराइजेस फ्रॉम थर्मल एजिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और अदर चार्ज्ड कैरीज इन रेजिस्टर, कैपेसिटर, रेडिएशन डिटेक्टर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एंड अदर रेजिस्टिव एलिमेंट्स इन द इंस्ट्रूमेंट। द एजिटेशन इज रैंडम एंड कैन क्रिएट चार्ज वेरिएशन दैट क्रिएट वोल्टेज फ्लक्चुएशन दैट वी व्यू एज अ नॉइज। जो एजिटेशन होती है वो कहते हैं कि रैंडम होती है, जिसकी वजह से क्या, क्योंकि चार्ज कैरीज होते हैं, और जब वो उसके अंदर एजिटेशन होगी तो वो वोल्टेज के अंदर फ्लक्चुएशन कॉज करेगा, और जब वोल्टेज के अंदर फ्लक्चुएशन होती है तो हमारा जो सिग्नल आना होता है, उस वोल्टेज की फ्लक्चुएशन की वजह से क्या होता है कि जो हमारा सिग्नल आना होता है उसके अंदर जो है वो नॉइज जो है वो कॉज हो जाती है। ठीक है, अराइज फ्रॉम थर्मल एजिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और अदर चार्ज की, किस वजह से होती है, अराइज फ्रॉम थर्मल एजिटेशन ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और अदर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और अदर चार्ज कैरियर्स
ठीक है। इसके अलावा क्या है, इससे को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, नैरोइंग द बैंडविड्थ कैन डिक्रीज थर्मल नॉइस बट इट विल आल्सो स्लो द रेट ऑफ द मशीन कैन आल्सो बी लोअर्ड बाय लोअरिंग द टेम्परेचर और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अगर हम इसको कंट्रोल करना है तो हम टेम्परेचर को लो करके या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो हम प्रोवाइड करें जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि फ्लक्चुएशन हो रही है, अगर हम उसको कम करें तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, अपना जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है उसको कम कर सकते हैं। और जो बैंड विड्थ अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट आ रहे हैं वो कोई बैंड्स की फॉर्म में आ रहे हैं, अगर हम उन बैंड्स की विड्थ को जो है वो कम कर दें तो हमारे पास क्या आ सकते हैं, जो भी हमारे सिग्नल्स आने होते हैं वो हमारे पास शॉर्ट आ सकते हैं, ठीक है, क्लियर आ सकते हैं। तो हम इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, बाय नैरोइंग द बैंडविड्थ और बाय नैरोइंग द बैंडविड्थ और बाय लोअरिंग टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट थर्मल और जॉनसन नॉइस कॉज कर रहा है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है शॉर्ट नॉइस। शॉर्ट नॉइस कब अराइज होगी, अराइज व्हेन करंट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज पार्टिकल अक्रॉस अ जंक्शन। शॉर्ट नॉइस कब होती है, नेक्स्ट हमारी क्या आ गई, शॉर्ट नॉइस क्या होती है, अराइज व्हेन करंट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अराइज व्हेन करंट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ व्हेन करंट अराइज arise when current involves the movement of electrons or charged particle and charged particles cross the junction. junction कौन सा होता है, जो PN junction हम use करते हैं, that is PN junction, ठीक है। तो शॉर्ट नॉइस किस वक्त जनरेट होगी, कि अगर हम कोई भी अपने इलेक्ट्रॉन्स की या करंट की मूवमेंट ऐसी जगह से करवा रहे हैं जहाँ पे कोई जंक्शन मौजूद है तो वहाँ पे शॉर्ट नॉइस हो सकता है। दीज जंक्शन आर टिपिकली फाउंड आर पीएन एट पीएन इंटरफेसिस इन फोटो सेल्स एंड वैक्यूम ट्यूब्स। पीएन इंटरफेसिस पे जो है ये बनती हैं जंक्शंस, फोटो सेल्स या वैक्यूम ट्यूब्स के तौर पे के पॉइंट्स पे बनती हैं। शॉर्ट नॉइसेस आर रैंडम एंड देयर रेट ऑफ ऑकरेंस इज सब्जेक्टेड टू स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन। शॉर्ट नॉइसेस भी जो है वो रैंडम होते हैं। शॉर्ट नॉइसेस कैन बी मिनिमाइज ओनली बाय रिड्यूसिंग बैंडविड्थ जो अगर हमारे पास आ रही है, अगर हम उनको मिनिमाइज कर दें तो उससे हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं शॉर्ट नॉइस को। कैन बी मिनिमाइज by reducing bandwidth, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आती है शॉर्ट नॉइज के बाद वो है फ्लिकर नॉइज। फ्लिकर नॉइज क्या है, इट्स मैग्नीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो कि फ्रिक्वेंसी की वजह से जनरेट होती है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, फ्लिकर नॉइज। फ्लिकर नॉइस कौन सी है, जो हमने क्या कहा कि फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट की वजह से जनरेट होती है उसको हम फ्लिकर नॉइस कहते हैं। इट्स मैग्नीट्यूड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल। सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी आनी होती है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो हमारा फ्लिकर नॉइस जो है वो कम हो जाएगा, और अगर हमारी फ्रीक्वेंसी सिग्नल की कम होगी तो हमारा फ्लिकर नॉइस ज़्यादा होगा। कॉजेज ऑफ फ्लिकर नॉइस इज नॉट अंडरस्टूड बट रिकॉग्नाइज बाय फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है फ्लिकर नॉइस, inversely proportional to signal frequency। इसकी कोई ख़ास रीजन्स जो है वो अभी तक सामने नहीं आई, सिर्फ ये पता है कि जो फ्लिकर नॉइस है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होती है और फ्रीक्वेंसी की वजह से जो है वो ऑब्जर्व की जाती है। कैन बी सिग्निफिकेंट एट फ्रीक्वेंसी इज लोअर देन 100 हर्ट्ज़।
और कैन बी सिग्निफिकेंट एट फ्रीक्वेंसीज लेस देन 100 हर्ट्ज़। ठीक है, अगर 100 हर्ट्ज़ से कम होगी तो उसकी में क्या होती है, फ्रिकर नॉइस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्रॉस लॉन्ग टर्म ड्रिफ्ट इन डी एम्पलीफायर मीटर्स एंड गलवानोमीटर्स के अंदर जो है वो लॉन्ग टर्म ड्रिफ्ट कॉज करती है। कैन बी रिड्यूस सिग्निफिकेंटली बाई यूजिंग वायर वाउंड और मेटेलिक फिल्म रजिस्टर रादर देन कंपोजिशन टाइप। वायर वाउंड और मेटेलिक फिल्म रजिस्टर अगर हम यूज़ करें तो उससे हम इनको रिड्यूस कर सकते हैं। किस तरह से? कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग वायर वाउंड और मेटेलिक फिल्म रेजिस्टर। वायर वाउंड और मेटेलिक रेजिस्टर, ठीक है, इसको हम यूज करके क्या कर सकते हैं, फ्लिकर नॉइस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट आती है वो हमारे पास क्या थी, इन्वायरमेंटल नॉइस थी। जो लास्ट हमने देखी थी इन्वायरमेंटल नॉइस, बहुत क्लियर है आपको कि इन्वायरमेंटल नॉइस, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि इन्वायरमेंटल नॉइस को जो है हम किस तरह से कंट्रोल करेंगे, कि अगर कोई भी हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, अगर हम जो हमारे इन्वायरमेंट कंडीशंस हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट की, अगर हम उन कंडीशंस के अंदर कोई भी चेंजेस आते हैं तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो है वो इन्वायरमेंटल नॉइस कॉज हो सकती है। तो ऑब्वियसली अगर हम उन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को कंट्रोल कर लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी जो भी नॉइस इन्वायरमेंटल नॉइस कॉज हो रही है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि जो हमने इसको कंट्रोल, नेक्स्ट के हम सिग्नल टू नॉइस की जो रेशियो है उसमें हम अपने सिग्नल को जो है अगर हमने इन्हांस करना हो तो हम अपने सिग्नल की इन्हांसमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सिग्नल की इन्हांसमेंट के लिए मुख्तलिफ मेथड्स जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, सिग्नल इन्हांसमेंट का मतलब ये है कि अगर नॉइस कॉज हो रही है तो उसकी वजह से हमारा सिग्नल जो है वो सप्रेस हो जाता है और वो हमारी एक्यूरेसी और प्रिसीजन को इफेक्ट कर सकता है। तो इसके लिए क्या होता है कि अगर हम थोड़ी सी एफर्ट्स कर लें तो हम क्या कर सकते हैं कि सिग्नल टू नॉइस जो रेशो होती है उसको एक एक्सेप्टेबल लेवल तक ला सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम कोई डिफरेंट जो है वो मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर मेथड्स जो है वो अवेलेबल है जिनको हम यूज़ करते हैं ताकि जो भी हमारे पास सिग्नल टू नॉइस रेशो आ रही है उसकी हम इम्प्रूव कर सकें या उसको हम एक्सेप्टेबल लेवल तक ला सकें। दिस डिवाइसेस रिमूव और एटोनेट द नॉइस विदाउट अफेक्ट द एनालाइज सिग्नल्स। क्या है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर मेथड्स आर अवेलेबल टू इन्हांस द सिग्नल, डिफरेंट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर अवेलेबल टू इन्हांस द सिग्नल। ठीक है, सिग्नल को इन्हांस करने के लिए बहुत सारे अवेलेबल हैं, सॉफ्टवेयर्स भी हैं और क्या हैं हार्डवेयर्स भी हैं, डिवाइसेस हैं जिसमें क्या करती हैं या तो वो नॉइस को रिमूव कर देती हैं या फिर उसको आइटोनेट कर देती हैं उस लेवल तक कि उसका सिग्नल जो भी हमारा सिग्नल आना है एनालाइट के उसके ऊपर मिनिमम इफेक्ट हो। कौन कौन से हार्डवेयर हैं जिनके हम क्या करते हैं यूज़ कर सकते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो तरह के सिग्नल इन्हांसमेंट के लिए यूज़ होती हैं। क्या क्या है, एक हमने क्या कहा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, दो जो है हम मेथड्स यूज़ करते हैं अपने सिग्नल को जो है वो इन्हांस करने के लिए और जो भी हमारा नॉइस आ रही है उसको हम मिनिमाइज़ करने के लिए। उसमें क्या क्या होती हैं ग्राउंडिंग एंड जो हार्डवेयर्स का अगर मैं आपको बताऊं वो क्या क्या है, हार्डवेयर नॉइस इज़ रिड्यूस बाय इनकॉर्पोरेटिंग इनटू द इंस्ट्रूमेंट कंपोनेंट सच एज फिल्टर्स। अगर हम क्या यूज़ कर लें,
फिल्टर्स यूज़ करें तो वो क्या करेंगे, सिग्नल में से नॉइस को जो है फिल्टर कर सकते हैं। चॉपर्स, जैसे आपने देखा होगा कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपीज के अंदर भी हम चॉपर्स यूज़ करते हैं, जो क्या करती हैं, सिर्फ डिजायर्ड वेवलेंथ को जो है वो पास आउट होने देती है। तो इस तरह के चॉपर्स हम यूज़ कर सकते हैं। शील्ड्स मॉड्यूलेटर्स एंड सिंक्रोनाइज डिटेक्टर, ठीक है, ये हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं, अपना जो भी हमारा है उसको हम, जो भी नॉइस अगर आ रही है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। दिस विल रिमूव और ऑटोनेट नॉइस विदाउट अफेक्टिंग द सिग्नल। डिफरेंट एम्पलीफायर्स भी जो हैं वो यूज़ होते हैं हम सिग्नल्स को जो है वो करने के लिए। डिफरेंट एम्पलीफायर्स भी जो है वो इवन यूज़ होते हैं अपने सिग्नल को इन्हांस करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर। डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ होते हैं। इंसेंबल बेस्ड ऑन डिजिटल कंप्यूटर एल्गोरिथम्स दैट परमिट एक्सट्रैक्शन ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम द नॉइसी नॉइस। सॉफ्टवेयर जो हम क्या करते हैं, अपने जो भी अगर हमने डाटा डिजिटल कंप्यूटर अटैच किए हुए हैं, जो हमारे डाटा को कन्वर्ट करते हैं, एक प्रॉपर रिस्पॉन्स को जो है वो कन्वर्ट करते हैं, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं जो डिफरेंट एल्गोरिथम्स मेथड्स यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, सिग्नल टू नॉइस रेशियो को कंट्रोल करते हैं। कॉमन सॉफ्टवेयर आर जनरली एप्लीकेबल टू नॉन पीरियोडिक और इरेगुलर वेव फॉर्म सच एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सिग्नल्स हैविंग नो सिंक्रोनाइजिंग और रेफरेंस। इंसेंबल एवरेजिंग, बॉक्सर एवरेजिंग, ये मैं कुछ नाम है सॉफ्टवेयर के जिनको हम यूज करते हैं। बॉक्स कार एवरेजिंग, बॉक्स कार एवरेजिंग, नेक्स्ट जो है वो है इंसेंबल एवरेजिंग, इंसेंबल एवरेजिंग, एवरेजिंग डिजिटल फिल्टरिंग, ठीक है। ये कुछ कॉमनली यूज फिल्टर्स हैं, सॉरी सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको क्या किया जाता है कि जो भी सिग्नल्स होती है उसकी इन्हांसमेंट के लिए हम क्या करते हैं, अपना जो भी हमारा सिस्टम्स होते हैं हम उनके अंदर इंस्टॉल करते हैं, ताकि जो भी हमारा मेथड हमने अडॉप्ट किया हुआ है, टेक्निक है, जिसकी वजह से जो हमारे रिजल्ट आ रहे हैं, अगर उनके अंदर कोई भी नॉइसेज अराइज हो रही है तो इनके जरिए जो है हम उनको कंट्रोल कर सकें। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि सेंसिटिविटी क्या होती है और डिटेक्शन लिमिट ऑफ डिटेक्शन हमारे मेथड्स की क्या होती है, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।